विषय है ऑक्सीजन साइकिल यानी कि ऑक्सीजन चक्र है ना। ऑक्सीजन चक्र में क्या जानेंगे कि यानी कि ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त होती है और इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी बनी हुई रहती है। अर्थात कभी कभी लोग सोचते होंगे ये बात कि हम जो ऑक्सीजन का जो यूज कर रहे हैं ये हो सकता है कि कभी खत्म भी हो जाए, है कि नहीं है। और हम जहां से ले रहे हैं और इतने समय से ले रहे हैं, अभी तक ऑक्सीजन खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऑक्सीजन का मात्रा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो ये ऑक्सीजन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और ऑक्सीजन की मात्रा देखिए क्या है कि बनती रहती है। ऑक्सीजन की मात्रा एक जगह से खत्म होती है और दूसरी जगह से उसकी पूर्ति हो जाती है। इसी को कहेंगे ऑक्सीजन का चक्र यानी कि ऑक्सीजन साइकिल। तो समझिए कि कैसे ये होता है, ठीक ना। देखिए हम तो ये बात जानते हैं कि सभी जीव जंतु यानी सजीव दो तरह के होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं बाबू? ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। ये दो तरह के होते हैं, पहला को कहेंगे यानी कि जंतु एनिमल जिसको कहते हैं, ठीक ना, और एक को कह देंगे प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, ठीक ना। दो ही तरह के सजीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब जितने भी एनिमल यानी कि जंतु सजीव हैं ये सब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और जो जंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है वो छोड़ता है तो कहां जाता है? वायुमंडल में जाता है। और उसी वायुमंडल से यानी कि एटमोस्फियर से क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे सांस के रूप में लेते हैं, ठीक ना। जंतु जितने भी हैं, जितने भी जंतु सजीव हैं एनिमल्स हैं, ये सब के सब सांस लेने के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ने के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। जबकि पेड़ पौधे की प्लांट्स जितने भी हैं ये सांस लेने के रूप में ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो जितने भी एनिमल्स हैं ये सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ले लेते हैं, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, ठीक ना। और ऑक्सीजन लेने के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक ना। अच्छा, तो मनुष्य ने चाहे जंतु हो चाहे मनुष्य हो, ऑक्सीजन को कहां से प्राप्त किया? ये सभी प्राप्त किए हैं वायुमंडल से, एटमोस्फियर से, ठीक है। और पेड़ पौधे ने कहां से कार्बन डाइऑक्साइड पाया? तो जितने भी जंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़े हैं वो सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल से पेड़ पौधे ले लेते हैं। अब देखिए, अब इसका जो ऑक्सीजन का जो उपयोग जो होता है खास करके दो ही हिस्सों में होता है। एक श्वसन की क्रिया में होता है, पहला काम कहां पे? श्वसन की क्रिया में होता है, ठीक ना। और दूसरा जो है वो दहन के रूप में होता है, ठीक ना। श्वसन के रूप में कैसे होता है? तो पेड़ पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कहां से लिया? अगल बगल वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, है ना जी, और सूरज की किरणों को लेते हैं और पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। अब इन सब चीजों की उपस्थिति में ये अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? ग्लूकोज, C6H12NO6, इसको ग्लूकोज कहते हैं। और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे ग्लूकोज को भोजन के रूप में रख लेते हैं और उनके शरीर के अंदर क्या बनता है? ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण हो जाता है। पुनः उसी ऑक्सीजन गैस को पेड़ पौधे कहां छोड़ देते हैं? वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन एक तरह से यूज हुआ और दूसरे तरह से पेड़ पौधे ने ऑक्सीजन को रिटर्न कर दिया, ठीक ना। इस तरह से ऑक्सीजन का चक्र चलते रहता है। और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में 21% पाई जाती है, लेकिन 20.89% होता है, तो उसको लगभग जो है हम लोग 21% मान लिया करते हैं, ठीक ना। इसकी जो मात्रा जो है अभी तक कम नहीं हुई है, मतलब कभी कभी क्या है कि ऐसे हल्का फुल्का पॉइंट में 0.1% 2% कभी घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है। तो इसका कारण क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अर्थात पेड़ पौधे ही वो मुख्य स्रोत है जहां से ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है, ठीक ना। अगर पेड़ पौधों की संख्या अगर घट जाए तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का जो ये प्रतिशत मात्रा है उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी।
और जब ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाएगी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होगी। और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि ग्लोबल वार्मिंग यदि होगी तो पृथ्वी पर जितना भी जनजीवन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अर्थात जीने के लायक ये प्लैनेट नहीं बचेगा, जितने भी पेड़ पौधे वो सब भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक ना। तो ऑक्सीजन का एक तरफ से यूज होता है तो दूसरे तरफ से ऑक्सीजन क्या करता है, हमको पुनः प्रोड्यूसर की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो दूसरा है, दहन के रूप में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। देखिए कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं जल सकता है, अर्थात जब भी जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई भी पदार्थ जलता है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे एलपीजी गैस हो या अन्य कोई भी चीजें हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ जल नहीं सकती है। अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है तो ऑक्सीजन उसको कहां से मिल रही है, उसको वायुमंडल से मिल रहा है, चूंकि हमारे चारों तरफ वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत है, तो वहां से ये ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त हो जाती है। अब जब वो क्या होता है, कोई भी लकड़ी ईंधन जलता है वायु की उपस्थिति में, तो क्या होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, वो वायुमंडल में जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने के मदद करता है। अब वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होता है और इस प्रकार से पूरा कार्बन चक्र चलते रहता है, ठीक ना। ये बात समझ में आ गई है, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन चक्र समझ में आ गया होगा पूरा अच्छी तरह से कि किस तरह से ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं और कैसे फिर ऑक्सीजन हमको प्राप्ति हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन को हम जितना भी यूज कर ले, जितना भी सांस के रूप में ले ले, ऐसा नहीं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, वो बरकरार ही रहती है। अगर पेड़ पौधों की संख्या में ज्यादा अगर कमी नहीं हो तो उस परिस्थिति में ऑक्सीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वृक्षारोपण की पेड़ पौधों की रोपण पर ध्यान दिया जाता है ताकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। और ऑक्सीजन नहीं रहने पर इसके कई सारी हानियां हैं, जैसे कि ओजोन लेयर का ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा, जब ओजोन लेयर खत्म होगा तो पराबैंगनी किरणें जो है अल्ट्रावायलेट रेज वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी, उससे मोतियाबिंद चकमक ऐसे कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पेड़ पौधों को बचाना ही सबसे जरूरी चीज है, तभी ऑक्सीजन की मात्रा बची रहेगी, ठीक है।